तो गाइस अभी यहाँ दादा धो रहे हैं अपनी गाड़ी, ये लोग घूमने जा रहे हैं। गाड़ी में थोड़ा धूल बैठ गई थी और पाले की वजह से वो चिपक गया था, तो अभी दादा धो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को आज के मौसम की जानकारी दे देती हूँ। आज यहाँ मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कोहरा था, जब मैं उठी बहुत ज़्यादा कोहरा था, तो मुझे नहाने के नाम से भी डर लग रहा था, मन कर रहा था कि बस रजाई के अंदर घुसे रहूँ। और आज मैंने सर भी धोना था तो मुझे ये सोच के डर लग रहा था कि भाई सर तो मैं धोने वाली हूँ, बाल सूखेंगे कैसे, क्योंकि मेरे बाल बहुत बड़े हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो गाइस सूर्यदेव मुझ पर मेहरबान हो गए, जैसे ही मैं नहा के बाहर आई तो हल्की हल्की धूप दिखनी स्टार्ट हो गई थी, और अभी तो अच्छी खासी धूप आ रही है। और आज बहुत ही खास दिन भी है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने आगे के व्लॉग में, आप लोग बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ का आसपास का व्यू दिखा देती हूँ। तो गाइस ये है हमारे आसपास का व्यू, ये देखिए धूप आ रही है जा रही है, वैसे कोहरा तो हट गया है, तो जो आज का व्यू है आसपास का वो अच्छा दिख रहा है। और यहाँ चारपाई में बैठी है हमारी बेबी, वो बिल्लियों के साथ बैठी है, धूप सेक रही है और बिल्लियाँ भी धूप सेक रही हैं। देखिए गुड मॉर्निंग, ये देखिए गाइस बेबी गोद में है हमारा पिंकू, और अभी माँ ने नहाने गई है तो अपने कपड़े यहाँ पर रखे गई है, तो मिली बैठी है उसके कपड़ों के ऊपर। तो गाइस आज दिन है शनिवार और आज है हमारे बालाजी का दिन, तो चलिए आपको मैं एक हनुमान जी का एक भजन सुनाती हूँ। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार, अष्ट से नव निधि के दाता तुम ही मेरे भाग्य विधाता, सिया राम के काज सवारे मेरा कर उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। और सामने वो लोग अपने छत में कपड़े डाल रहे हैं। किरण आ, धूप अच्छी आ गई ना? नहीं नज़र नहीं लगेगी यार, मुझे खुद धूप की ज़रूरत है, देखिए तीन चार दिन से बिल्कुल कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं। हाँ ऐसा भी है, मैं पहले दिन बोलती हूँ आज यहाँ अच्छी धूप है, दूसरे दिन और ज़्यादा कोहरा आ जाता है। तो गाइस आज धूप अच्छी है तो सब लोग अपने जो कपड़े नहीं सूखे हैं उनको बाहर डाल रहे हैं, अभी हर कोई अपने अपने काम में बिजी है, और हमारी ईजा भी अपने काम में बिजी है। अभी माँ ने नहाने गई है तो जो वहाँ पानी गर्म करने के लिए रखा था उसमें वो बर्तन खाली हो गया था, अभी उसमें दोबारा फिर से ईजा ने पानी डाल दिया है। तो चलिए मैं आप भी जा रही हूँ आग के पास जहाँ पर हम पानी गर्म करते हैं। तो ये देखिए गाइस यहाँ पर हो रहा है हमारा पानी गर्म। अभी जब मैं सुबह उठी थी तो कोहरा बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ी देर में यहाँ पर बैठ के आग ताप रही थी, और सामने हैं लकड़ियाँ, और यहाँ से हमारा जो जानवर का गोट का रास्ता है यहाँ से भी है। अभी यहाँ से हमने पर्दा बंद करा है, अब धूप आ गई है तो इनको बाहर बांधेंगे अभी थोड़ी देर में। हेलो, तो गाइस ये है हमारी छोटी बच्चा जो हुई थी, इसका नाम हमने गौरा रखा है। गौरा गौरा गाइस ये मेरा हाथ खा रही है, देखिए इसने मेरा हाथ अपने मुंह के अंदर डाल लिया, पूरा चबाले चबाले पूरा खा ले इसको, हाँ पूरा खा ले बाबू, क्या मिल रहा है इससे, देखिए गाइस कैसे चाट रही मेरे हाथ को, बिल्कुल मुंह के अंदर डाल दिया। ये देखिए गाइस कितना अच्छे से चाट रही है पूरा। खा लिया मेरा हाथ, खा लिया इसने, खा ले कितनी प्यारी है, देखिए इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं।
और वहाँ पर हमारी दूसरी बच्चा है सुंदरी। सुंदरी तू भी खा देगी, मेरा हाथ खाएगी, लेकिन तेरे दांत आ गए हैं, तू तो दांत चुबा देगी। अभी इसके दांत नहीं है इसलिए मुझे कुछ परेशानी नहीं हो रही है। ये मुंह में हाथ भी डाल ली तो वह चप चप कर रही है चूस रही है मेरे हाथ को। क्या आ रहा है इसमें से, क्या आ रहा है बाबू? खा ले खा ले, पूरा खा ले। हाँ तो गाइस अब धूप भी आ रही है बाहर, अब इनको बाहर बांधेंगे अभी। चल बाय, मैं जा रही हूँ। हाँ तो गाइस अब मैं जा रही हूँ घर के अंदर, आज कुछ खास दिन है तो मैं आपको बताती हूँ। अब मानो तो गाइस हमारी मानिया भालू भी अब नहा के आ गई है। कैसा लग रहा है तुझे नहाने के बाद, ठंडा की गर्म? ठंडा लग रहा है वैसे तो, लेकिन इसमें गर्म गर्म लग रही है। तो आज कहाँ जाने का प्लान है तुम्हारा? कहाँ जाने वाले हो? और गाइस यहाँ देखिए, आज फर्स्ट टाइम चारपाई में पिंको मिली साथ में है। ये देखिए कितने प्यार से हैं यहाँ पर दोनों। पिंगू ने अपना एक हाथ रखा है मिली के ऊपर, वरना ये दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर ही रहते हैं। जब से मिली आई थी तो पिंकू तो पहले से था यहाँ, और जब मिली आई तो पिंकू इससे डरता था। जब भी मिली इसके पास आती थी पिंकू भाग जाता था। तो गाइस मैंने आपको बताया था आज का दिन खास है, तो आज मेरे दादा का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे दादी। तो ये है मेरे बड़े दादा, अभी ये बच्चों को लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। तो गाइस मैं जा रही हूँ अभी गार्डन की ओर, बच्चे वहाँ हैं अभी, दादा बच्चों को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। देखिए यहाँ सब ये लोग तैयार होके बैठे हैं, खड़े हैं मतलब। हेलो ये देखिए मानिया बेबी दिव्यान सब तैयार हो गए, और ये है मेरी चाची का नाती चेतन। तो गाइस अभी यहाँ दादा धो रहे हैं अपनी गाड़ी, ये लोग घूमने जा रहे हैं। गाड़ी में थोड़ा धूल बैठ गई थी और पाले की वजह से वो चिपक गया था, तो अभी दादा धो रहे हैं। तो बस दादा ने गाड़ी धो ली है। और अब भैया बैठ गए हैं। तो गाइस अब ये लोग भी बैठ गए हैं गाड़ी में। बाय, चले गए हैं घूमने। आज दादा इनको दे रहे हैं अपनी बर्थडे पार्टी। और गाइस अभी यहाँ आ गए हैं एक भैया ऑनलाइन डिलीवरी के लिए, कुछ सामान था जो वापसी करनी थी। हेलो भैया। तो बेबी का कुछ सामान है जो वापस करना है, अभी भाभी लेके आएंगी। तो भाभी ने दे दिया है वो सामान जो भी वापस करना था। तो भैया भी चले गए हैं, अब भाभी ने दे दिया था सामान। तो गाइस अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पर चारपाई में आराम से, धूप का आनंद ले रही हूँ। आज धूप बहुत अच्छी है, और अब मेरे बाल भी सूख गए हैं। अब घर में भी अजीब सा लग रहा है, तीनों बच्चे चले गए हैं, अभी से चहल पहल थी घर में, एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे से खेलते हैं, तो बहुत ही रौनक रहती है घर में। अभी अब वो शाम तक ही आएंगे, क्योंकि दादा आज उनको अपनी बर्थडे पार्टी देने वाले हैं और उनको घुमाने के लिए ले गए हैं, तो शाम हो ही जाएगी। और अब मैं लंच कर लेती हूँ, मैंने सुबह नाश्ता तो किया था, अब फिर से भूख लग रही है, तो लंच करके मैं चले जाऊँगी सिद्धि के घर। तो घर में कोई है नहीं तो किसके साथ एंजॉय करूँ, तो मैं अब सिद्धि के साथ एंजॉय करूँगी। तो गाइज़ अब मैं आ गई हूँ सिद्धि के घर, तो चलिए मैं आपको मिलाती हूँ सिद्धि से। तो गाइज़ अभी मैं हूँ सिद्धि के साथ, और जैसे मैंने आपको बताया था आज बहुत ही खास दिन है, एक तो है मेरे दादा का बर्थडे, और आज हमारी सिद्धि का फर्स्ट बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सिद्धि, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज रो रही है गाइस, बहुत रो रही है, और ये रोती नहीं है, बहुत शांत सी है, बहुत खुश रहती है, पता नहीं आज इसको नज़र जैसी क्या लग रही है। तो चलिए आपसे मिलती हूँ मैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय, टेक केयर।